होंगे। आपने धक्का मुक्की करे आप चाबी के लिए। अरे चले नहीं भाभी, मैंने क्या किया? मैंने क्या बोला? बराबर आदमी हो ना। तो वो मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, सारी चीजें करने लगे, और मैं मतलब आपको बताने में भी मुझे ये लग रहा है कि वो क्या क्या कर रहे थे मेरे साथ। अंधेरे का फायदा उठा के फिर मैं डंपर के पास गई, तो वो मुझ पे चढ़ाने लगे, तो फिर एक दो लोग बाहर आए तो उन्होंने रोके, नहीं तो अगर मैं अकेली होती तो मुझ पे डंपर वो चढ़ा देते। ये तो सरासर कहना गलत है, इनके द्वारा पद का दुरुपयोग किया जा रहा है, महिला होने का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं के लिए जो कानून है, जो प्रावधान है, उनका भी ये दुरुपयोग कर रही है, दूसरों पे दबाव बना के अपने धन उगाही कर रहे। मुझे खबर मिली अवैध रेत का खनन हो रहा है, इसके लिए मैं जांच करने वहाँ पहुंची 11 तारीख को, 11 जुलाई को रात में 10:30 बजे करीब मैं अपने कुछ साथियों के साथ पहुंची, और डुमरिया के पूजा नकपुरे जी BDC सदस्य हैं, वो भी थी और उनके हस्बैंड भी थे, मेरे हस्बैंड भी साथ में थे और 2-4 लोग मेरे साथ थे। हम वहाँ जब पहुँचे देखे तो वहाँ 2 पोकलैन मशीन थी, 4 डंपर थे जिससे रेती निकाली जा रही थी, और हमारे सामने जब हम वहाँ एंट्री करे तो 2 डंपर रेत भर के निकले गए सामने, लेकिन हम उनको नहीं रोक पाए, लेकिन जब एक आ रहा था तो हमने उसे बीच में रोक लिए, उसमें पूरी रेत भरी हुई थी। तो हमने जब उनसे पूछे वहाँ पर नरेंद्र राजपूत, ये रवि मेश्राम और श्री मंगल सोनी, ये तीनों जन थे और भी उनके साथ 25-30 लोग थे। जो मुहान गोलभट्टा रोड है जिसमें चिचोली जो गांव है उसके जस्ट पहले डोंगरिया करके एक गांव है, वहां पे 2 डंपर इनके खड़े थे मोनू सोनी के। इन लोग जनपद अध्यक्ष स्वेटम और उनके जो पति गुनाराम बघेले, ये वहां पे पहुंचे, ड्राइवरों के साथ हाथापाई किए, मारपीट किए और उन डंपरों को नदी की तरफ ले गए, और जैसे उसकी खबर डंपर मालिक मोनू सोनी श्री मंगल सोनी को लगी तो घटनास्थल पे वहाँ पर पहुँचे और उनसे जो डंपर वो लेके जा रहे थे उसको अपने कब्जे में लेने का उन्होंने प्रयास किया, उनके साथ भी जुआ जबकि ये सब की गई, और शोर शराबा सुन के हम लोग फिर जब वहाँ पर पहुँचे, मैं और मेरे साथ जो गोलू था, तो हमारे हम पे भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा कहा गया तुम लोग इससे हट जाओ, तुमसे हमारा कोई मैटर नहीं है, हमको जो लेन देन करना है, हमको गोलू सोनी से जो लेन देन है हम लोगों को वो करने दो, अगर नहीं हटोगे तो तुम लोगों के ऊपर बलात्कार और छेड़छाड़ जैसे दूसरे मामले हम लगा देंगे। तो इनसे बात करने लगी तो ये मुझे बोलने लगे कि 15 दिन का हमें और समय दिया गया है। मैंने जब इनको बोले कि नहीं 30 जून तक ही दिया गया है, क्योंकि मैंने दिन में जाने से पहले माइनिंग ऑफिसर से भी बात कर ली थी, RTO ऑफिसर से भी बात कर ली थी और KI सर से भी बात कर ली थी, अगर कभी हमारे ऊपर कुछ ऐसा विवाद होता तो आप आके हेल्प करना, और माइनिंग वालों ने भी ये मुझे बोले थे कि अगर TI चाहे तो थाना प्रभारी वहाँ जब्त कर लेंगे, हम मॉर्निंग में आके कार्रवाई कर देंगे। तो तब मैं पहुँची, ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि 15 दिन का और समय दिया गया। मैंने माइनिंग वालों को भी फ़ोन लगाई वहाँ से, तो उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं करे। फिर ये लोग मुझे जब डंपर से मतलब बातों में विवाद हो गया कि नहीं आप यहाँ आ नहीं सकते, अगर आपको ऐसा है कि 15 दिन का समय नहीं दिया गया तो आप वहाँ जा कर बात कीजिए, और फिर उनके पास स्टम्प वगैरह लेकर आए, पावड़े लेकर आए, नहीं आपको गाड़ देंगे, ये सब चीज़ें मतलब करने लगे, और हमारे साथ वाले वो भी डर गए थे, मैं तो अकेली मतलब डंपर के सामने खड़ी थी, और फिर कुछ लोग भी आए थे, ठीक है हमें हमारे ऊपर भी चढ़ा दो, मैडम के ऊपर चढ़ा रहे तो आप हमारे ऊपर भी, तो वो लोग रुके, अदरवाइज वो मुझ पर डंपर चढ़ा देते थे। तो वहीं पे मैंने बोला था जो वीडियो में भी है, वीडियो भी इन्हीं के द्वारा जो इनके साथ जो लोग आए थे वही बना रहे थे, और वायरल भी इन्हीं के द्वारा किया गया, उसमें साफ देखा जा सकता है कि मैं बोल रहा हूँ कि हम इस बात की पुलिस में शिकायत करेंगे, तो उनके द्वारा कहा गया कि तुम लोग क्या शिकायत करोगे, छेड़छाड़ की शिकायत हम करेंगे। और एक जगह में आप देखेंगे जो उनके द्वारा वायरल वीडियो है, जो उन लोग वीडियो बना के वायरल किए, उसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि हम लोग उनसे दूर दूर भाग रहे हैं। आपने धक्का मुक्की करे आप चाबी के लिए। अरे नहीं भाभी, मैंने क्या किया? मैंने क्या बोला? बराबर आदमी हो ना, गाड़ी खड़ी कर दिया ना मैंने, अरे मैंने
हम लोग बोल भी रहे हैं कि भाभी हमसे दूर रह के बात करो, हमसे दूर रह के बात करो, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया उसमें, और आप लोग भी अच्छे से सुन सकते हैं कि तुमने ऐसा है क्या जो हम तुमको टच करेंगे। ये मुझसे बात कर रहे तो भाभी भाभी करके बात कर रहे, तो आप ये बताइए मैं फिर उनके सामने ऐसे कैसे बोलूँगी कि मैं ऑफिसर हूँ या सरकारी हूँ। मैं सरकारी पदाधिकारी हूँ, उसको ऑफिसर बोलते, तो वो जबान मेरी स्लिप हो गई वहाँ, क्योंकि वो सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। आप सोचिए उस टाइम पे जब सब चीज़ें होती हैं आपके साथ, तो आप क्या सोच समझ के बात करोगे, आपका माइंड काम करेगा क्या वहाँ पर? और उनके द्वारा ये पहली घटना नहीं है, ऐसी घटना कई बार की जा चुकी है। कई बार सरकारी अधिकारी बन के जनपदों को रोक के उनसे पूछताछ करना, उन पर पैसों के लिए दबाव देना, फिर महाराष्ट्र से जो गाड़ियाँ इस तरफ आती हैं या महाराष्ट्र में जो धंधा करती है उन गाड़ियों को रोक के उनका परमिट चेक करना, फिर कई बार बोलना कि 8 टन 10 टन की क्षमता की रोड है, 15 टन 16 टन तुम माल लेके जा रहे हो, तो जब तुमको हमारे क्षेत्र में काम करना है, हमारे क्षेत्र से तुम धंधा करना चाहते हो, तो 40,000 रुपये महीना आप लोगों को देना पड़ेगा, ऐसा वो डंपर वालों पे दबाव बनाते हैं। तो देखिए माइनिंग वालों को मैंने वहाँ से स्पॉट से फ़ोन लगाई, उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किए, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए, तो ये सब चीज़ें जो हो रही थी डंपर चढ़ा रहे थे, तो मैंने TI सर को फिर फ़ोन लगाई, फिर TI सर आप आइए। TI सर बोले दल निकल गया मैं भेज रहा हूँ। मैंने बोली सर ये हमें मार डालेंगे तब आप भेजोगे क्या? उन्हें ये भी बोले कि मैं छेड़छाड़ कर रहे हैं मेरे साथ, सर सुन रहे हैं फ़ोन पे ये जो सब कर रहे थे ये मेरे साथ, तो वहीं से मैंने कॉल लगाई वहाँ से, तो ये सर सुन रहे थे, TI सर फ़ोन पे थे, लाइन पे थे, सारी चीज़ें मेरी जो बात हो रही कंटिन्यू बात हो रही है वो कंटिन्यू, मैं 2 घंटा वहाँ रही, 2 घंटे में सारे वारदात सब जो भी हुई हमारे साथ, उसके बावजूद भी दल नहीं आया वहाँ। हरिद्रासपुर पे आशु बघेले जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं खैरलाल जी के, उन्होंने छेड़छाड़ संबंधी शिवमंदर सोनी नरेंद्र राजपूत और गोर मिश्रा इनके खिलाफ में एक FIR दर्ज करवाई है कि उनके साथ में 11 तारीख की रात में इस टाइप की घटना जो है कारित की गई थी, उनके खिलाफ FIR पंजीबद्ध कर मामला भी विश्राम के लिए है। कुछ भी मतलब उस पर कार्रवाई अभी तक FIR नहीं हुई है? एक्चुअली जब भी अपराध FIR जब रजिस्टर्ड होती है तो FIR होने के बाद मेडिकल होता है, तो जब भी FIR अपन ने की उसके बाद में ही मेडिकल होता है, कल मुझे बुलाया गया वहाँ पर और तकरीबन 6:30 बजे मैं वहाँ गई हूँ, मतलब 6:17 को मुझे TI सर का फ़ोन आया कि लेडीज़ पुलिस आ गई है, मैडम आप अपना बयान दे दीजिए। इन्होंने मुझे 6:30 बजे बुलाए और इन्होंने बोले थे आपके जो भी वहाँ पर मौजूद थे उनको लेकर आइए, उनका भी बयान लेंगे। तो एक महिला बच गई थी, इन्होंने पहले परसों ले लिए थे, वो महिला को लेके मैं गई, वो महिला और मैं हम दो ही गए 6:30 बजे। इन्होंने मुझे वहाँ 12:30 बजे तक के बिठा के रखे, काफ़ी रात होने के बाद फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बुलाई, इन्होंने ये भी नहीं बोले कि आप अकेले हो तो किसी को बुला लो, मैं खुद होके इनको बुलाई कि हम लोग अकेले यहाँ पर सारे पुलिस वाले हैं, तभी आए, मतलब तब तक के हम अकेले थे, 9-10 बजे तक के हम अकेले ही रहे। तो आप ये बताइए रात में किसी महिला को, हम दो महिला को बिठा कर ये कौन सा स्टेटमेंट ले रहे थे हमसे? नहीं, उनसे हमने निवेदन भी किया था कि अगर आप कल चाहें तो अपने बयान कल दे सकती हैं, लेकिन उनके द्वारा नहीं, के लिए मैं आज ही दूंगी, उन्हीं के द्वारा ये आग्रह किया गया था कि मैं अपने बयान आज ही दूंगी। जो FIR जो मेरा बयान लिए उस पर FIR नहीं हुई, इन्होंने जो पहले मैंने आवेदन दी थी जो नोटिस दी थी उस पर वो सारा मैटर उन्होंने छाप दिया और बोले मैडम आप ये लीजिए FIR की कॉपी। हमारे द्वारा भी शिकायत की गई है, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मैं चाहता हूँ कि उस मामले की भी जांच जल्दी से जल्दी हो, और ये जो ब्लैकमेलिंग का प्रयास और झूठे प्रकरणों में फंसाने की जो धमकी हमको मिलती है, इससे हमको मानसिक रूप से भी हम परेशान हैं, हमारे जो लड़के हैं वो भी मानसिक रूप से परेशान हैं और डरे सहमे से रहते हैं, कभी भी उनके ऊपर बलात्कार छेड़छाड़ जैसे कोई भी मामले में इन लोग जो फंसाने की धमकी देते हैं उसकी वजह से सब लोग अभी विचलित हैं। मैं चाहता हूँ कि उक्त मामले की जांच जल्दी से जल्दी हो ताकि मामले का पता चले।